हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो अपना पसंदीदा कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन और मैं हूँ आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता। चलिए फिर आज भी किचन में चलते हैं और एकदम ही जबरदस्ती रेसिपी बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं हरे प्याज का मसालेदार पुलाव जो आपको बहुत ही पसंद आएगा, आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया, अच्छा गर्म हो गया। इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे, 2 लौंग डाल देते हैं और 1 मोटी इलायची, इनको भुनने देते हैं। चलिए, ये खड़े मसालों में से भी अच्छी खुशबू आ रही है, भुन गए अच्छे से। अब इसमें 3 टमाटर डालेंगे एकदम चॉप करे हुए, साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं और टमाटर के सॉफ्ट होने तक कुक कर लेते हैं। दोस्तों, इस टाइम पे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ऑयल भी अलग हो गया। अब इसमें 2 हरे प्याज का वाइट वाला पार्ट डालेंगे, मिक्स कर देते हैं। एकदम ही सिंपल रेसिपी है और आपको पता है सर्दियों में तो हरा प्याज आता है, बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। चलिए, ये भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं और स्लो फ्लेम पे इसको अभी 10 मिनट कुक करेंगे। दोस्तों, प्याज डाल के भी 10 मिनट हो गए कुक करते हुए, मसाला अच्छे से भुन गया और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे, 1 कप मैंने बासमती राइस लिए, इनको मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश करके आधा घंटा भिगो लिया था और पानी इसका अब ड्रेन कर दिया। मैं ये सारे चावल डाल देती हूँ और इसमें अब पानी डालेंगे, पानी का लेवल 1 इंच ऊपर ही रखना है हमने। और इसमें अभी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 5 मिनट इनको मीडियम फ्लेम पे ऐसे कुक होने देते हैं जिससे अच्छा बॉईल आ जाएगा। दोस्तों, 5 मिनट हो गए ऐसे कुक करते हुए, आप देख सकते हैं अच्छा बॉईल आ गया इसमें। अब इसमें 1.5 कप हरा प्याज का हरा वाला पार्ट डालेंगे और साथ ही 2 मोटी वाली हरी मिर्ची को मैंने हाफ में कट किया हुआ है, ये भी डाल देते हैं, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर देते हैं, आप देख सकते हैं पानी काफ़ी कम हो गया। चलिए, अभी फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको कवर करके हमने 10 मिनट कुक करना है, या तब तक आप देख ले पानी पूरा सूख जाना चाहिए। चलिए, फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट हो गए दोस्तों चावल को ऐसे कुक होते हुए, खोल के चेक करते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर सारा पानी सूख चुका है। बस अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे, ये आप देखिए नीचे भी पानी नहीं है और कितने ज़बरदस्त ये चावल लग रहे हैं और खुशबू भी क्या ज़बरदस्त आ रही है, पूरे हरे प्याज का आपको फ्लेवर आएगा। आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मेरे साथ फीडबैक शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।